ब्रेक के बाद बात करते हैं बिजली संकट की। तो हरियाणा में बिजली संकट की वजह से लंबे लंबे कट लग रहे हैं। इस बीच बिजली कटौती को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। बिजली की कमी और कटौती को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हरियाणा में बिजली संकट को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने निजी कंपनियों से बिजली खरीद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही रणदीप सुरजेवाला ने गुजरात को बिजली बेचे जाने पर भी सवाल उठाए। तो आपको बता दें कि हरियाणा में फिलहाल बिजली संकट गरमाया हुआ है और सियासत जो है इसमें पूरी तरह से की जा रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार से कई सवाल पूछे और सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिजली कटौती जो है वो क्यों की जा रही है और बिजली कटौती को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से हरियाणा में क्योंकि बिजली संकट है इसको लेकर सरकार से उन्होंने सवाल पूछे। बिजली कंपनियों से बिजली खरीद पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी कि बिजली कंपनियों से क्यों नहीं बिजली खरीदी जा रही और बिजली कटौती को लेकर प्रतिक्रिया आपने दी है। रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता, क्योंकि हरियाणा में बिजली संकट है, लोग परेशान हैं, लंबे लंबे कट लग रहे हैं और लगातार सरकार जो है कह रही है कि बिजली जो है वो जल्द ही दोबारा से हरियाणा में वापस आएगी और लोग जो परेशान हैं उनको जल्द ही समस्या से समाधान निकाला जाएगा, हल निकाला जाएगा। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा सरकार से कई सवाल उठाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस के प्रवक्ता इनकी तरफ से की गई है। बिजली कटौती को लेकर उन्होंने कई सवाल उठाए, सरकार को घेरा और कई सख्त सवाल जो है सरकार से पूछे। बिजली कंपनियों से बिजली खरीद पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो आपको बता दें हरियाणा में फिलहाल बिजली संकट है और इस पर सियासत की जा रही है। विपक्ष की तरफ से लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है और इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने सरकार से बिजली कटौती को लेकर कई सवाल पूछे और साथ ही उन्होंने बिजली कंपनियों से बिजली खरीद पर भी प्रतिक्रिया दी। हरियाणा में फिलहाल लंबे कट लग रहे हैं, लोग परेशान हैं, 7-8 घंटे तक हरियाणा में कट लग रहे हैं और अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्थिति बनी हुई है। लेकिन लोग परेशान हैं क्योंकि हरियाणा में पारा 44 से 45 डिग्री दर्ज किया गया है और इसी को लेकर हरियाणा सरकार से कई सवाल कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछे। बिजली कटौती को लेकर उन्होंने सवाल उठाए और बिजली कंपनियों से बिजली खरीद पर प्रतिक्रिया दी। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, जिन्होंने कई तरह की जानकारियां भी दी और कई तरह के सवाल जो हैं सरकार से पूछे, सरकार पर सवाल उठाए और साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आए कि किस तरह से बिजली की कटौती की जा रही है, निजी कंपनियों से बिजली खरीद को लेकर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो हरियाणा में फिलहाल बिजली गुल है लेकिन सियासत चालू है, सियासत की जा रही है, विपक्ष की तरफ से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरे हरियाणा में बिजली, पीने का पानी, नहर के पानी को लेकर हाहाकार मची है। 12 घंटे से 20 घंटे तक के शहर और गांव के अंदर घोषित और अघोषित पावर कट लग रहे हैं। जनता त्राही माम है, सांस लेना मुश्किल हुआ है। हरियाणा के उद्योग धंधे चौपट हैं, उन पर तालाबंदी है, हजारों करोड़ का नुकसान हो गया है। हरियाणा के खजाने को चूना लगाकर भाजपा जजपा सरकार 5.75 रुपया प्रति यूनिट पर प्राइवेट कंपनियों से बिजली खरीद रही है। हरियाणा झुलस रहा है, उद्योग धंधे ठप पड़े हैं, खेती सूख गई है, दोबारा जीरी लगाने के लिए, खेत संवारने के लिए पानी नहीं, पीने के पानी के लाले पड़े हुए लोग जो हैं वो पेड़ों के नीचे बैठकर जिंदगियां काटने को मजबूर हैं। चलिए एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए और देखते रहिए एमएचएन प्राइम।